फर्स्ट पेपर जो एक महत्वपूर्ण सीरीज होती है आपके लिए, जहां पे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर की सीरीज, शिक्षक भर्ती जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 9:30 बजे की सीरीज में मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं और ये क्लास आपके लिए निःशुल्क देशी में राष्ट्रीय में मैं अपने बचे हुए समय से आपके लिए लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास के अंत तक आप जुड़े रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी क्या हैं? रेस के घोड़े हैं। चलिए बिना देरी के अब हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो चलिए पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कि 50 प्रश्न में आपको लिखते चलना कितने आपने सही किए, जहां पे जीएस जीके करंट अवेयरनेस समसामयिक के रीजनिंग सभी प्रश्न आपके होंगे। जैसा कि पाठ्यक्रम में है, मानव शरीर के पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, जी भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी जवाब बताइए। जी हाँ, लीवर इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लीवर दिया है ना, उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही है। कैसे? आइए इसके बारे में और बातें जानते हैं। देखिए, पैंक्रियाज की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक अंग होता है। ये पाचन संबंधित हार्मोन्स का स्राव करता है। इसके सही रूप में कार्य करने से मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियां न करने से कैंसर होता है और मधुमेह होता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना, वो बी होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जल बिले विटामिन है? जल्दी से कमेंट करिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, इस देश के निर्माता हो, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी। अगर सरकारी शिक्षक बनना है ना, तो इस सीरीज को आप लोग को अंत तक पढ़ना होगा, तभी आप लोग सफलता के और करीब पहुंचेंगे। तो जवाब दीजिएगा जल्दी से, एकदम आसान हलवा वाला प्रश्न है आपके लिए। जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जल बिलियन विटामिन कौन है? कौन कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, बताइए सभी लोग। देखिए यहां पे अगर हम देखें कीड़ा, तो देखिएगा यह वसा में, कीड़ा जो है किसमें? वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमारे की जो सीरीज में आप सभी का स्वागत भी है और ये सिलेक्शन वाली क्लास है। समझ में आया सबको? कीड़ा माने विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसने हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए, नोवाक जोकोविच इसका सही जवाब होगा। करंट अवेयरनेस के लिए परेशान ना हो, डेली टेलीग्राम पर आप लोग को करंट की क्लास आपको डेली सुबह 6:30 पर मिल जाती है, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, और आपको जो मैगजीन है कंप्लीट मैगजीन, परीक्षा मैगजीन, वो आपको 1 तारीख को मिल जाएगी। जी हाँ, 1 तारीख को पूरे परीक्षा के जितने पाठ्यक्रम हैं उन सभी के आधार पर मिलने वाली है। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है, इसे हम कहते हैं, जी हाँ, NaHCO3। जी हाँ, इसे हम किसे कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। एकदम सही बताया आप लोगों ने। जी हाँ, सभी लोग क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लगातार आपकी क्लास पढ़ा रहा हूं 7 बजे से, सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, कुछ लोग बता रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है ना, ये औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। एक बात है, धोने वाला सोडा क्या है, किसी को पता है धोने वाला सोडा क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका अगर सूत्र की बात करें तो Na2CO3 × 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसे हम धोने वाला सोडा कहते हैं, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता पता है किसी को? यह अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह सफेद चूर्ण है, यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और ताप उत्पन्न करता है। उड़न राख को हम क्या कहते हैं, फ्लाई एश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम फ्लाई एश के नाम से जानते हैं। यहां पर बहुत सी चीजें, इसे कोयला जलाने से निर्मित होती है, महीन कण, इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, इसका उदाहरण
सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, उड़न राख है। तो आपको विस्तृत व्याख्या करके मैं पढ़ाता हूं ताकि आपके परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आने पाए, क्योंकि नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, उतना भी कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सागवान महत्वपूर्ण में वनस्पति, सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, इतनी मेहनत से आपकी क्लास पढ़ाई जा रही है, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे देख रहे हैं, बस तुरंत इसका काम है अपने साथी मित्रों को पहुंचाने का, जिनको चाहते हैं आप इस भर्ती में सिलेक्शन जरूर ले। चलिए मैं वीडियो क्वालिटी बढ़ा, अगर वीडियो साफ नहीं चल रहा है, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, देखिए सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति, एकदम सही बात है, किसके लिए, इसके बारे में जानते हैं, यह है पश्चिमी घाट में पाई जाती है, सागौन वनस्पति पश्चिमी घाट में पाई जाती है। दूसरी बात आप जानते रहिएगा, यहीं पर सोला घास है, सोला घास भी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सागौन ब्रिज तमिलनाडु का पश्चिमी सिरा, तमिलनाडु का पश्चिमी सिरा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले भागों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका देखा जाए तो एमपी है। मुख्य क्षेत्र अगर पूछ लेता कि मुख्य क्षेत्र क्या है, तब आप एमपी बताते। वैसे इस प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा, बी का राइट आंसर होगा, बी, ठीक है, सही होगा इसका। और कोई जवाब, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, वरना हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़े। हैजा का टीका खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 6, 50 प्रश्न की सीरीज होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जवाब दीजिएगा, जो भी लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सभी लोग जल्दी जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, हैजा का टीका की खोज किसने की, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जवाब दीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हैजा टीके की खोज किसने की। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया, एकदम सही, रॉबर्ट कोच इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्हें 1905 का नोबेल भी मिला था, 1905 का नोबेल भी मिला था, एकदम याद रखिएगा। अगर यहां पे कह रहे हैं कि एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक किट्टे की खोज की थी, यहां पे लिख लीजिएगा, एकदम आपके लिए छना छयाना प्रश्न आता है, जिसमें संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, भारत विश्व के साथ सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, समसमय की रजनी, वे सब सिलेबस हैं जो आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। लुई पाश्चर किसकी खोज किए थे, जल्दी से बताइएगा। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं, एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का जनक कहते हैं। लुई पाश्चर का संबंध किससे है, अब इसका जवाब आपको देना है, लुई पाश्चर का संबंध किससे है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पे ध्यान से देखना है आप लोग को, प्रश्न नंबर 7, सबको दिख रहा होगा, वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम की घोषणा नहीं की गई, मतलब यह नकारात्मक प्रश्न है, तीन है और एक नहीं है, बस आपको यह बताना है कि कौन सा नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए, सभी साथी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी साथी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग। देखिए टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जल्दी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग भी दुर्गेश पर। देखिए वर्ष 2019 में यहां पर भूपेन हजारिका सही जवाब, नानाजी देशमुख सही, प्रणब मुखर्जी, सफा उल्ला खान को नहीं दी गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। ये राष्ट्रपति भवन 25 जनवरी को संगीतकार भूपेन हजारिका, समाज सेवी नानाजी देशमुख, इन्हें सर्वोच्च और राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल, उन्हें प्रणब मुखर्जी जी को क्या दिया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक, हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईसी का क्या अर्थ होता है। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। 9:30 बजे क्लास में यार आप लोग की संख्या इतनी कम है, पूरे प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक क्लास 9:30 बजे की लेने भी दुर्गेश पर चलती है, निशुल्क क्लास आपके लिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जहां भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा।
क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, इसका होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, जिसे हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसलिए प्रश्न का उत्तर डी, इसे हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ के नाम से इसे जाना जाता है। सोचिए देखिए, कितना भी बेजोड़ सवाल दिया था, कितना मजेदार प्रश्न था, अगर जो थोड़ी सी गलती करता उसके पूरे अंक कट जाते। यहां से आपके परीक्षा में कितने प्रश्न ऐसे जो हुबहू आने वाले हैं। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था। सभी साथी जवाब देंगे। यहां पे तीन प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 9, 10, 11। यार आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार पैसे नहीं लगेंगे। वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद ना अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ये सहयोग होगा खाली। देखिए, अमीर खुसरो को जन्म अगर पूछा जाए प्रश्न नंबर 9, तो क्या बताएंगे? यहाँ पे ये एटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एटा। एटा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, ये बात आप लोग को पता होगा। कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा विवादित भी है, 1253 में। कहाँ पे? 1253 में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो के, अगर अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। खुसरो स्वयं को तृतीय हिंद कहा। 8 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगा। उसकी पहली कविता का नाम किरान उस साधेन था। क्या था? किरान उस साधेन था। किरान उस साधेन था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, याद रखिएगा। यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। तृतीय हिंद इसकी पहली रचना थी। उसकी पहली कविता किरान उस साधेन थी। यह समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया। देखिए, तृतीय हिंद होता, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, तृतीय हिंद शुद्ध रूप इसका था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी भी था ये बात आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो जरूर पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है ना किसी को? वह सुल्तान जिसे प्रथम बार हिंदू धर्म को फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा, कौन था? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करिएगा भैया। यह था फिरोज शाह तुगलक। आपके सिलेबस में इतिहास मेडिवल इंडिया है ये। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। अनुवाद विभाग की स्थापना की, अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। अनुवाद विभाग किसने स्थापना भी की, और हिंदू आचार विचार की बेहद समझ हो सके, इन संस्कृत पुस्तक का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? दलाइले फिरोज शाही। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, दलाइले फिरोज शाही के नाम से हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। मुझे लग रहा है किसी के भी प्रश्न के जवाब ही गलत नहीं होंगे। जिसकी वीडियो साफ नहीं चल रही हो ना, वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा। ठीक है, वे सभी क्या करेंगे? वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, एक बार वीडियो को शेयर कर दे, तनी तो जल्दी से दबाई के शेयर करें, जितना जने हैं सबके पहुंचाए थे। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठों और अफगानों के बीच आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध मराठों में पराजय हुआ था। ठीक है, इसमें सदाशिवम राव भाव की कूटनीति का सफलता, अब्दाली सेना का सदाशिवराम भाव सेना से अधिक होना, उत्तर भारत के सभी मुसलमान शक्ति अब्दाली के साथ थे, राजपूत जाट सिख द्वारा मराठ का साथ न देना, सैनिक संगठन दृष्टि से अब्दाली का श्रेष्ठ संगठन था। ठीक, ऐसे कई कारण थे जिसके कारण पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीता। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत की सबसे तेज चलने वाली, ये हमने करंट में भी पढ़ा था, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया? जी हाँ, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। भैया जी, उसका नाम बदल चुका है, अब वह वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से हो गया है। किस नाम से? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। क्या होगा? वंदे भारत। कोई डाउट नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो ना तो जरूर पूछिएगा। हाँ, वंदे भारत कब रखा गया? ये 29 जनवरी को रखा गया, 29 जनवरी 2019 को बदल दिया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 18 माह अवधि में बनाया गया था। इसकी हाईएस्ट स्पीड 180 किमी पर सेकंड है, पर हावर है मतलब। ठीक है, कुचिपुड़ी एक नृत्य है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही आसान प्रश्न है। कुचिपुड़ी ये देवताओं को समर्पित नृत्य है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा, आप लोगों ने एकदम पहले से बता के रखा है, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के देखेंगे तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो एक दही हांडी है, लावणी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, लावणी है, दही हांडी है, दकी कला है, गाफा है, यहाँ के लोक नृत्य है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ सबसे ज़्यादा पहले आता है, राउफ, मतजात, दमाली, डांडी नाच, यहाँ की है, डांडी नाच है, दमाली व डांडी नाच एक साथ है, राउफ इसकी सही है। ठीक है, मिजोरम की सोल किया है, लंगलम है, छेक नृत्य है, खुल्लम है, चैलम है, ये मिजोरम की है। अगला प्रश्न नंबर 14, बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 एकदम पाठ्यक्रम पे, एकदम सिलेबस पे है, जैसे सिलेबस आपके परीक्षा में आएगा वैसे वैसे यहाँ भी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। बताइए बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहां? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के पास है। अकबर ने गुजरात विजय स्मृति में बनाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने, किसमें? विजय स्मृति में। किसे? विजय की स्मृति में। कौन सी? गुजरात विजय स्मृति में इसका निर्माण कराया था। एकदम लिख लीजिए लाइन टू लाइन। हाँ भैया, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछेगा ना, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी इस बात की गारंटी है, अगर पूरे क्लास को ना शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में गलत नहीं होंगे। और ये भी देखते चलिएगा आपके 50 में कितने सही हुए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? जी हाँ, ये विविध भी आपके सिलेबस में है, रट लीजिएगा सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जवाब दीजिए, पहली एयर मार्शल कौन है? यार आप लोग जवाब नहीं देते हैं, ये गंदी बात है, गलत से आपको उत्तर देना चाहिए सभी को, एक गलती ना होगा। आइए देखते हैं, ये बंदोपाध्याय थी, ये हेडक्वार्टर की मेडिकल सर्विसेज थी, 1971 के भारत पाक युद्ध में योगदान के लिए विशेष सेवा मेडल भी दिया गया, उत्तरी ध्रुव वैज्ञानिक खोज करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। गीत गोविंद की रचना रचयिता कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, गीत गोविंद, ये भैया हमने पहले आपसे कहा ये सब सिलेक्शन वाली क्लास है, कौन सी क्लास है? सिलेक्शन वाली क्लास है, तो जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके बिना देरी किए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए,
सभी के बारे में आप कहेंगे तो मैं व्याख्या कर दूंगा। ये जयदेव की रचना थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम रट्टा मार दीजिए। इसमें राधा किशन के सिंगार चरित्र का वर्णन किया गया है। काव्य कला, काम कला, संगीत कला समान रूप से निमाहित है। जी हाँ, मीराबाई की किसी एक रचना का नाम बताइए, सूरदास के किसी एक रचना का नाम बताइए, विद्यापति की किसी एक रचना का नाम बताइए, क्योंकि हमने आपसे ये कहा ना कि आप लोग लगातार अपना बेस्ट देते रहे। जल्दी से कमेंट कर बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतह, क्योंकि रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती घोषणा की है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सभी लोग देखिए, गलत सही जवाब देना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा 20%। कब? 18 जनवरी 2019 को। ठीक है, समझ में आप लोग को कब? जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 18 है। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मैंने आपसे पहले वादा किया था, ये सिलेबस के अनुरूप है। जैसे जैसे आपका सिलेबस है, जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम है, वैसे वैसे यहां पर आपकी ये क्लासेज हैं। बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन हुआ था? मैं पूरा एकदम स्पष्ट रूप से इतनी व्याख्या कर दूंगा ना कि कभी भी यहां से एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला ही नहीं है, चाहकर भी गलत नहीं होना है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प आप लोगों ने बताया, 42वां संविधान संशोधन, इसे हम मिनी संविधान कहते हैं, इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। ये कब हुआ था ये बताइए कि कमेंट करके, कब हुआ था? 1976 में हुआ था, दिख रहा है ना, ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। दूसरी बात, इसके बारे में जानते रहिएगा, इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कितने शब्द को जोड़ा गया था, वो कमेंट करके सभी साथियों को लाइव जवाब देना है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। 19, नागरिकता संबंधित संविधान में किस भाग में है? जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि नागरिकता को लेकर लगातार बवाल चल रहा था, लगातार विवाद चल रहा था, इसलिए आपको यहां पर प्रश्न का जवाब जरूर देना है। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जितने भी वीडियो को ना लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अरे भैया, भाग एक नहीं है, देखिए भाग दो होगा। अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो यह होगा अनुच्छेद 5 से 11। भाग एक क्या है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे वर्णन करता है। दूसरी बात, भाग तीन मूल अधिकार है, ये 12 से लेकर 35 तक है। भाग चार 36 से लेकर 51 नीति निषेध सिद्धांत है। ये चारों भाग आप रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ना कब कहां से धमक जाएगा इसकी ना गारंटी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हर तथ्य को जड़ तक जा के पढ़ना होगा, जड़ तक जा के समझना होगा सभी को। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चाहे आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यार, जनता है। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, क्योंकि जो प्रस्तावना की शुरुआत तो होती है वो हम भारत के लोग से होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो जनता होगा। हम भारत के लोग, भारत के लोकतंत्र समाजवादी पद में लोकतांत्रिक समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति, वो काफी लंबा है, तो ठीक है, यहां से है। अगला प्रश्न चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी लोग क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा उपाय राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? नहीं माने, नकारात्मक प्रश्न है, तो कभी भी गलती मत करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बात एक सीट हमार। जी हाँ, जान लगा दीजिएगा तब तक जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ही आप पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 21 का जो सही जवाब होगा, नई कंपनी जब निवेश करेंगे तो राजस्व बढ़ेगा,
कारखानों में बढ़ती राजस्व बढ़ेगा, घास के मैदान, लेकिन सब्सिडी के रूप में करों का जब भुगतान करेंगे तो इससे राजस्व नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी, जो गलत है वही। राजस्व जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पैसा देना ना पड़ जाएगा, और जब पैसा देने लगेंगे तो आपका राजस्व क्या होगा, कम होने लगेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका क्या होगा, डी। क्या सबको समझ में आया प्रश्न? बताइए, जूनियर शिक्षक भर्ती के सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, बताइए सभी सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को ना लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए अगला है, 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने 2015 से 18 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की, तो वह 2018 के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और देखिए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिए। गलत या सही होगा यार, गोली तो कोई मार देगा कोई, बताइए क्या ऐसा है कोई गोली मार देगा, नहीं मार देगा ना, तब फिर तब तो आपको जवाब देना ही चाहिए। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग, इसरो, डीआरडीओ, विवेकानंद, आइगो सकावा क्या होगा? इस प्रश्न का होगा योहेई ससाकावा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, डी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 23, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी, राष्ट्रहित में देशहित में, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, बाजार मांग होगा, बाजार के सभी उपभोक्ता की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तर पर देखकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए 24 क्या होगा, जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता, नहीं का मतलब आप लोग को पता ही हो गया होगा कि नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, ये नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, आठों का लिखना हो तो लिख लीजिएगा आठ। वैसे इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा, जाने दीजिए, जो गलत है वही सही है, ठीक है। ये भी इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो आप लोग भागने लगेंगे, वैसे ही आपकी संख्या कम है, वीडियो को ना शेयर कर रहे हैं आप लोग ना लाइक कर रहे हैं। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्या है, कमेंट करके बताइएगा, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्या है, जवाब दीजिए कमेंट करके, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्या है। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतह। चलिए यहां पे ध्यान देना है आप लोग को, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र क्या था, देखिए आप लोगों को जवाब दिया करिए, गलत हो जाएगा कोई गोली मार देगा क्या, चलिए एक एक करके हम बताते हैं। देखिए डिगबोई पहले हाई है, क्या है, पहले बॉम्बे हाई है, तो बॉम्बे हाई कब आया था, ये 1954 में। कोयली कहां पे, गुजरात में, ये 1965 में था, ठीक। डिगबोई असम 1901 में आया था। जामनगर गुजरात की बात करें 1999 में। अब आप खुद बताइए इसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। अब मैं नहीं बताने वाला, अभी आपको बताना है इसमें सबसे पुराना कौन सा है, इसमें सबसे नया कौन सा है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी साथी जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं,
प्रश्न नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है ना वो क्या होगा आपका, कानपुर होगा। क्या होगा? कानपुर होगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब लखनऊ नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। वाराणसी की बात करें तो इसे मंदिरों का शहर, घाटों का शहर भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम नगरी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अहमदाबाद को, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, किसको? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी क्या है? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना आप लोगों को। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे तेज ट्रेन 18 है। इसका नाम बदल कर क्या हो गया, अभी मैंने बताया, ये इंजन रहित स्वदेशी ट्रेन है भारत की, इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस हो चुका है। अब 28 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पर आ गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा 79। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, बताइए जल्दी कमेंट करके। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत, 78.08%, कार्बन 0.03%, ऑक्सीजन 20.095%। तो बताइए कमेंट करके इस प्रश्न के आधार पर आप कौन सा विकल्प सही बताएंगे, बताइए जल्दी कमेंट करके। अगर आप इस वीडियो को इलानी पर दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं ना तो जल्दी से कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। चलिए इसका होगा नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल नाइट्रोजन ना होता तो क्या होता, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वायुमंडल का नाइट्रोजन ना होता तो इसका उत्तर क्या होता? ठीक है, नाइट्रोजन ना होता तो क्या होता, या ऑक्सीजन 78 होता और नाइट्रोजन 20 होता तब क्या होता? नाइट्रोजन किसके लिए जरूरत है? चलिए आप लोग जवाब दे ही रहे हैं, चलिए कमेंट आ रहा है हम लोग जवाब दे ही रहे हैं ना, चलिए अच्छा लगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए सभी लोग जवाब देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब सबको ही देना है। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इलानी पर दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करिएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज और इलानी पर दुर्गेश पर दोनों पर लाइव चल रहा है, निःशुल्क मेरे द्वारा, देश हित में, राष्ट्र हित में। चलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप लोगों ने एकदम सही बताया, स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 किया था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस शिक्षाओं उपदेशों को लोगों तक तो पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसका मुख्यालय बेल्लोर कोलकाता में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विश्व बैंक का, विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न ने पूछा कौन सा विश्व बैंक के समुदाय का हिस्सा नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, आपको यही जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के समुदाय का हिस्सा नहीं है। जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतह, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, WTO। इसका पुराना नाम क्या था? गैट था। इसका पुराना नाम क्या था? गैट था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका हिस्सा नहीं है। IBRD है, IFS है,
आईडीए है, एमआईसीए है, ठीक, आईसीएसआईडी भी है, लेकिन यह डब्ल्यूटीओ नहीं है। इसे प्रश्न का उत्तर ये गलत है और बी इसका सही है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे प्रश्न जो है वो नकारात्मक है। कैसा प्रश्न है? नकारात्मक प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वोदय योजना का मुख्य प्रस्तावक कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या आप इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है ये क्लास आपके लिए बेहतर क्लास है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐसे प्रश्न की सीरीज है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं? बताइए, अगर ऐसा है तो यार शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। 9:30 बजे क्लास, 8:30 बजे क्लास, 7 बजे क्लास, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मेरी स्वयं आकर लें और आप भी आइए। भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है? जवाब दीजिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, वो जयप्रकाश नारायण होगा। ये सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की गई थी? अगर प्रस्तुत की बात की जाए तो 1950 में की गई थी, 30 जनवरी के दिन। यह था शोषण विहीन समाज का स्थापना करना, उद्योग का संचालन सरकार द्वारा किया जाना, सरकारी खेती का विकास करना, भूमि का पुनर्वितरण करना, आय की संपत्ति की असमानता को समाप्त करना, यही सारी चीजें थी। संपूर्ण राज्य की आय 50% ग्राम पंचायत को 50% शासकीय सत्ता द्वारा व्यय किया जाना चाहिए, यही इसके बारे में था सर्वोदय योजना। ये जयप्रकाश नारायण की थी, 30 जनवरी लिखना चाहिए, भी लिख लीजिएगा 30 जनवरी की। किसकी थी? 30 जनवरी की थी। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, टाइमिंग के सवाल का जवाब दे दीजिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। सिलेक्शन वाली क्लास है। अगला है, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? 33 का जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बुल्स आई, जी हां, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा बिना देरी के सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होती है? यह गलत सही, देखिए बुल्स आई, हाँ ये जौनपुर जनपद से चलती है भैया, शूटिंग, राइफल शूटिंग के लिए किया। इसमें और भी शब्द हैं, जैसे टारगेट है, इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है। सकट शूटिंग होता है, सकट शूटिंग, सटक शूटिंग है, ट्रेंच शूटिंग है, ये इसमें शब्दावली और आती है। ठीक, अगला, भारत किस महिला बल्लेबाज ने 31 दिसंबर 2018 को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया गया? बताइए, ठीक, प्रश्न नंबर 34 जवाब क्या होगा बताइए? स्मृति बंधाना। इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। स्मृति बंधाना को क्रिकेट ऑफ द ईयर और ओडीआई वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया था, लेकिन 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 2020 प्लेयर ऑफ द एलिसा हिनी को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी एलेक्स्ट्रॉन इंग्लैंड को चुना गया। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? 35 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा, मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, एकदम आसान। इस प्रश्न का होगा पोर्ट लुइस। क्या होगा? पोर्ट लुइस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? पोर्ट लुइस इसका जवाब सही होगा। यहां पर दिया है बिडहॉन्ग, ये किसकी राजधानी पता आपको? नामीबिया का, नामीबिया। विक्टोरिया सेसल्स की। कंपाला युगांडा की। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? जवाब दीजिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये 50 प्रश्न है,
जितने प्रश्न आप यहां सही कर पाएंगे ना, 2020 के प्रश्न भी डाले जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 2020 के प्रश्न डालने के लिए। 2020 के प्रश्न की जो सीरीज चलती है वो आपकी सुबह 6:30 पर चलती है, सुबह 6:30 पर, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलता है, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। नैनो मैगजीन और परीक्षा मैगजीन जो है आपकी वो 1 तारीख को मिल जाएगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को इन्हें वैलेंटाइन सिरोली ने भारतीय शांति का जनक कहा था। भगत सिंह को साम्राज्यवाद का नाश हो, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था पता किसी को? साम्राज्यवाद का नाश हो, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नया चीज मिला होगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, करो या मरो, करो या मरो, ठीक। हे राम का भी नारा इन्होंने दिया था, हे राम का भी नारा दिया था, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है यार, सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है फिर भी आप लोग भाग रहे हैं। गोपाल किस गोखले महात्मा गांधी के क्या थे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। डायनमो किसको परिवर्तित करता है, डायनमो किसको परिवर्तित करता है, डायनमो किसको परिवर्तित करता है, बताइए सवाल लोग फटाफट कमेंट करके, डायनमो किसको परिवर्तित करता है। देखिए एकदम सही आप लोग ने बताया है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, सी इसका राइट आंसर होगा। ये एसी का उत्पादन करता है, प्रत्यावर्ती धारा का, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर काम करता है, ये विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जिस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर होता है ये, ठीक। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य नहीं करता ये, लेकिन डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने एक प्रश्न है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, ये सभी परीक्षा वाले 50 प्रश्न आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आए हैं। अब की बार एक सीट हमार, 9:30 बजे चलती है, 8:30 बजे, 7 बजे सभी क्लासेज क्रमवार चलती है, साइंस की क्लासेज हैं, हिंदी भाषा सभी क्लासेज आपको मिल देंगी। ये देखिए पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त दो होता, प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रहा हो, या आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो, ठीक है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो इसे आपतन कोण या क्रांतिक कोण कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। साइंस के सवाल है, पक्षियों और कीटों को पंख कैसे होते हैं, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, बताइए जल्दी। एनालोगस होते हैं, एनालोगस होते हैं, एनालोगस माने समवृत्तिक होते हैं, कैसे होते हैं, समवृत्तिक रचना होती है जो उन्हें मरने में उड़ने में मदद करती है, उन्हें उड़ने में मदद करती है, ठीक। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, दूध, दूध जो होता है निम्न में से किसका उदाहरण है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रश्न नंबर 40 का जवाब दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग प्रश्न नंबर 40 का कमेंट करके जवाब दीजिएगा, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। इसके बाद रीजनिंग की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके, गरीब लोगों का भला हो जाएगा जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव है, देशित में राष्ट्रित में। देखिए दूध से अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एक करके बताते हैं, जेल का इसका होगा पहले इमल्सन का, इसका इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन को पायस कहते हैं, पायस का उदाहरण है। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण एक दूसरे के सारे कणों में परिक्षेपित हो, उन्हें घुलते नहीं है, तो इसे क्लोराइड को हम पायस या इमल्सन कहते हैं। जेल क्या है, जेल के बारे में लिखिएगा, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें द्रव कण ठोस में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं पर उन्हें प्रवाहता नहीं होती, वे जम जाते हैं, जेली जिलेटिन हो गया। सॉल क्या होता है, ऐसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होता सॉल कहलाते हैं। फोम का
द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है, ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां से जीएस के जीएस जीके करंट आपके जीएस जीके और जो करंट के सवाल थे वो आपके यहां तक खत्म हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं 10 प्रश्न रीजनिंग के। ये 50 प्रश्न की प्रश्न बैंक होती है जो प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से दिखेगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा, ध्यान से दिखिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। यदि भाग को गुणे के लिए, गुणे को माइनस के लिए, माइनस को प्लस के लिए और प्लस को भाग के लिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से करिएगा। बोडमास के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? बोडमास के नियम के अनुसार। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ई लर्निंग विद्रगेश में ये क्लास लाइव चल रही है, ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से है। आपको ये क्लासें निःशुल्क ई लर्निंग विद्रगेश के फेसबुक पेज यूट्यूब पर डेली मिलती है। सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 48 प्लस है तो हम यहाँ प्लस को क्या करेंगे? यहाँ प्लस किसमें बदलेगा? यहाँ प्लस बदलेगा, प्लस किसमें बदलेगा? 48 जो प्लस है तो गुड़े में जाएगा ना, 48 प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस है भाग में, यहाँ पर होगा भाग। माइनस जो है ये किस में जाएगा? ये प्लस में जाएगा, ठीक है। और ये भागे जो है किस में बदलेगा? ये गुड़े में। और ये प्लस जो है भागा गुड़े में, और जो प्लस है ये भी भागे में। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 48 भागे 6 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10। अच्छा ये भी भाग होगा ना, ये भी भाग है। अब इसे लिखेंगे हम 48 गुड़े 1 बट्टा 6 प्लस 12 गुड़े 1 बट्टा 2। यहाँ पे केवल गुड़े होगा ना, यहाँ पे गुड़े है, यहाँ पे गुड़े 2 होगा, गुड़े 2 गुड़े 1/10। तो देखिए कैसे कटेगा, शायद इसका दसवनों में आएगा क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर 6 × 6 = 48 ना, ऊपर हो जाएगा 12 × 8 = 96। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा 12 प्लस है ना, तो हो जाएगा 8 प्लस 12 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस आपका 12 गुड़े 2 तो 24 गुड़े 1/10 तो 8। हाँ पहले भाग होगा ना, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पहले भाग होगा ना, तो पहले ही हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10 तो हो जाएगा 12/5 तो 8 + 12/5 तो ये थोड़ा सा गलत आएगा, लगभग उत्तर आएगा आपका, ठीक है, इसका उत्तर लगभग आएगा, ठीक है, इसका उत्तर लगभग आएगा 5 × 40 में से 40 में से 12 गया तो 40 + 12 = 52/5 लगभग 10.2 के नियर अबाउट होगा ना, ये आएगा ना। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा क्या आएगा, 5 लगभग यही आएगा ना, 4 आएगा कैसे, एक मिनट हम देख लेते हैं इसका उत्तर 4 कैसे आएगा। 48 है तो यहाँ पे 48 भाग हो जाएगा 1/6 + 12 × 2 × 1/10। देखिए 6 × 6 = 48 8 हो गया प्लस 12 × 2 = 24 24 हो जाएगा ना, यहाँ पे बोधमास का नियम लगाएंगे हम लोग, 24/10 हो जाएगा, माइनस का क्या है, माइनस गुड़े माइनस का प्लस होगा, बारह रुक जाइए थोड़ा सा, फिर से मैं कर रहा हूँ एक मिनट देख लेते हैं हम कंफ्यूज हो गए। 48 है, प्लस का क्या है यहाँ पे, प्लस के लिए भाग है, यहाँ पे भाग लगा है, भाग हो गया 6। माइनस का क्या है, माइनस का प्लस है, प्लस 12, भाग का क्या है,
भाग का गुणे है, गुणे दो हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का क्या है, प्लस के लिए भाग है, यहाँ पे भाग 10 है, तो इसको 6 48 8 आएगा प्लस 12, 10 में से 2 का भाग देंगे तो 12 गुणे ये हो जाएगा 2/10 माने 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या था, गुणे था, तो ये हो जाएगा, हाँ फिर से गड़बड़ हो गया क्या जी, 6 48 यहाँ 12 हो जाएगा, गुणे 2 होगा ना, खाली गुणे 2 होगा, तो 2/5 12 8 20, दिमाग मेरा ही नहीं काम कर रहा है यार। बीस हो गया, 5 × 5 = 20, 4 × 2 = 8। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इसमें, चलिए आगे देखते हैं, हम इसको भी लास्ट में लगाते हैं, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए अगला क्या है, अच्छा 4 ही आ रहा है, चलिए मैं देख लेता हूँ 4 कैसे आ रहा है। क्या तंबाकू उत्पादकों की बिक्री प्रत्येक शहर में कुछ दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए? मैं टाइम बर्बाद हो गया, अरे हाँ यार इसमें गलती हो गई, अरे बाप रे बाप, बोधमास नियम नहीं लगाना बल्कि क्रम से हल करना है, दैट यही दिमाग खराब हो गया। चलिए बोधमास नियम नहीं लगाना है, तो 48 ÷ 6 + 12 × 2 × 1/10, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 8 48 8 + 12 12 8 20 × 2 × 1/10, तो 12 8 20 × 2 × 1/10 40 × 1/10 कट गया 4। मैंने प्रश्न को पढ़ा नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, सॉरी 4 होगा, मैं बोधमास लगा रहा था, ठीक है 4 होगा, मैं बोधमास का नियम लगा दिया और वहाँ पर लिखा नहीं लगाना है, मैंने स्वयं प्रश्न को नहीं पढ़ा। चलिए आगे देखिए, क्या तंबाकू उत्पादकों की बिक्री प्रत्येक शहर की कुछ दुकानों तक ही सीमित रखनी चाहिए? हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, मैं भी भूल गया था, मैं बदमाश पढ़ा ही नहीं। देखिए, क्या तंबाकू उत्पादकों की बिक्री प्रत्येक शहर की कुछ दुकानों तक सीमित रखनी चाहिए? अब 42 क्या कह रहा है कि हाँ, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में काफी कमी आ जाएगी, नहीं, जो तंबाकू उत्पादन खरीदना चाहते हैं उन्हें भी सुविधाजनक स्थानों पर मिलने चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 बातें हैं, कह रहा है कि क्या तंबाकू उत्पादकों की बिक्री प्रत्येक शहर की कुछ दुकानों तक सीमित रखनी चाहिए, इसके 2 टॉपिक है, पहला या उससे उत्पादक की खपत में काफी कमी आ जाएगी, या नहीं तो तंबाकू उत्पादन खरीदना चाहते हैं उन्हें अपने सुविधाजनक स्थान पर मिलने चाहिए। यहाँ पे या तो 1 होगा या तो 2, मैंने यहाँ पे सी होगा, मतलब या तो कथन फर्स्ट होगा, ठीक है। हाँ चलिए अनुप जी, कोई बात नहीं, हमने देख लिया, ठीक है। चलिए मैंने पूरा प्रश्न को नहीं पढ़ा था यार, मैं बार बार बदमाश लगा रहा था, ठीक है। चलिए अगला है, मेरा खुद ही दिमाग खराब हो गया। देखिए अगला है, यहाँ पे कथन कह रहा है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक प्रमुख कॉलेज में 90% विद्यार्थी है भारत में मिल रहे वेतन के 3 गुने वेतन पर विदेश में बस जाते हैं। यहाँ पे कार्रवाइयाँ की बात करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, भारतीय संगठनों के इस कॉलेज में विद्यार्थियों को वेतन अदा करना चाहिए जो विद्यार्थी संगठनों के समकक्ष हैं, सरकार द्वारा उस ग्राउंड पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए जिसे किसी दूसरे देश की नौकरी लेने पर रोक लगती है, गलत है ये सही है? मतलब कार्रवाई एक अनुसरण यहाँ पे कर रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, इसका अनुसरण कर रहा है, ठीक, पहली बार क्वेश्चन हम फंस गए हैं, ठीक है, बढ़िया, मतलब खुद को बड़ा लगा यार, और लगा कि कैसे, मेरा नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, अगला ध्यान से देखिएगा, 9 बजे से 10 बजे के बीच समय की दोनों सुइयां परस्पर संपाती होंगी, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, इसका एक ही तरीका है, कुछ नहीं करना है, 60/55 करते हैं या 60/11 करिएगा, ठीक, इसका रूल है, गुणे 9 बजे करें 9 करिएगा, ठीक है। अब आप इसको हल कर दीजिएगा, कितना आएगा, 540/11, तो क्या हो जाएगा, लगभग 11:55 ठीक है, 3:49 मैंने 9:49 सही 1/11 मिनट पर, ठीक है। आगे बढ़ना अगले प्रश्न की तरफ, यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो कल के पहले कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर हम आज में, जैसे यहाँ पे हम आज में है, आज है ठीक, तो आज कह रहा है कल के बाद का दिन, ध्यान दीजिएगा कौन सा दिन है, रविवार, मतलब ये आज हो गया, ये कल हो गया, कल कल के बाद का दिन माने ये रविवार है, ये क्या है आपका, रविवार है, तो ये हो जाएगा
शनिवार, ये हो जाएगा शनि है, ये हो जाएगा शुक्र, हो जाएगा बृहस्पति, आज बृहस्पतिवार है। फिर कह रहा है कि कल के पहले, कल से पहला ये क्या होगा, ये बृहस्पति है, ये बुध हो गया, ये क्या होगा मंगल, माने प्रश्न का उत्तर क्या होगा मंगलवार होगा, क्या होगा मंगलवार होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न नंबर 45 है, यहाँ पे 45 कहा था, कट गया, अच्छा 45 हो गया, 46 पे आते हैं। 46 कह रहा है रोजाना, कथन है, रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये कथन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यदि निष्कर्ष, प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, फिर यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका निष्कर्ष फर्स्ट होगा, क्या होगा निष्कर्ष फर्स्ट होगा। ठीक, ये जीएस फर्स्ट ईयर क्लास है, ठीक, जहां पे सभी के लिए अनिवार्य है ये। आगे ये छोड़ देते हैं हम लोग, एक लास्ट में 48 क्वेश्चन को हल करते हैं। राजू का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है, नीचे से 28वां है, उस कक्षा में कुल कितने लोग हैं। इसका एकदम आसान तरीका है, अगर आप लोगों ने हल किया होगा तो जानते होंगे। इसमें क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 21 प्लस 28 माइनस 1 कितना आएगा 48 ना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट नहीं ना। भरत के कितने भाई हैं, अच्छा यहाँ पे डेटा दिया था, भरत के कितने भाई हैं, चलिए यहाँ पे दिया है भरत के कितने भाई हैं। कथन कह रहा है कि भरत की माँ शीला के 3 बच्चे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भरत की माँ शीला के 3 बच्चे हैं। ठीक, भरत की ग्रैंड मदर मीना की एकमात्र नतनी या पोती है, बताइए इसमें क्या होगा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रश्न को और अच्छे से देखते हैं। भरत कितने भाई हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भरत की माँ, एक भरत की माँ है, ये भरत हो गया, इसकी माँ हो गई, ठीक है, इसकी माँ के 3 बच्चे हैं, एक भरत हो गया, 2 अन्य हो गए। अब कह रहा है भरत की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर माने इसकी माता की मतलब माता की, अपने पिता की माता, ग्रैंड मदर मीना के एकमात्र नतनी पोती है, भरत की ग्रैंड मदर मीना के एकमात्र नतनी की पोती है, वो 2 है। अब इसमें कह रहा है जो प्रश्न था आपका कि भरत केवल एक भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर एक दोनों को मिलाने पर ये बात पता चलता है कि जैसे यहाँ पे मीना की बात कर रहा है, एक भाई है, इसका मतलब कोई एक और है, इसलिए दोनों कथन को मिलाते हैं तब ये पता चलेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक छोटा सा आखिरी प्रश्न है आपका, शिक्षक स्कूल का संबंध है तो नर्स का संबंध किससे होगा। ठीक, ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इलर्निंग विद दुर्गेश के इस ऑफिस के नंबर पर जुड़ सकते हैं सभी साथी। ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित होती है, सभी क्लास आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ लेंगे, जहाँ पर आपको भाषा, SST, गणित, विज्ञान इन सभी, और फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर इन सभी की तैयारी आपको मिल जाएगी, जिसमें GS, GK, करंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये सभी क्लास टेलीग्राम पर मिलेंगे, दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी इलर्निंग विद दुर्गेश। इसमें क्या होगा, अस्पताल होगा, क्या होगा डी, शिक्षक स्कूल में तो नर्स क्या है अस्पताल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, चाहे इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, क्या किसी के सवाल को या पूछ लीजिए क्या।
ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, डेली होते हैं ये, 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाए करिए। ठीक है।